आईटीआई में वही सवाल था या फिर कुछ दूसरा भी? आईटीआई का बुक से बहुत था, निमी पैटर्न पर था क्वेश्चन, बढ़िया लगा। ट्रेड था आपका इलेक्ट्रिशियन, कैसा लगा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिशियन वाला? बढ़िया था, हमने 100 अटेम्प्ट किया, नेगेटिव नहीं छोड़ा मैंने। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, जिसमें मान लिया कि नेगेटिव में कुछ पॉइंट कटेंगे तो कुछ हो भी सकता है कि पॉसिबिलिटी चांस है कि जो एवरेज मतलब कि 70-80 के बीच में है। 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि मतलब ऊपर से चले जा रहे हैं। एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट, और आज है BTSC IT इंस्पेक्टर का एग्जाम और परीक्षा दे कैंडिडेट 12 ने शुरू हो। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं कि जो BTSC IT इंस्पेक्टर का जो पेपर रहा है कैसा रहा है, किस तरीके से सवाल आज के पेपर में पूछे गए हैं। एंड मेक श्योर इस एफर्ट के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो क्योंकि आपका ही चैनल है। कौन सा ट्रेड था भाई आपका? इलेक्ट्रिशियन था। कैसा क्वेश्चन लगे इलेक्ट्रिशियन वाले? ठीक था, इजी टू मॉडरेट। हाँ। कितने सवाल बनाए आप? मेरा 75 है। 75 दोनों मिला करके? हाँ, दोनों मिला करके। ठीक है, कुछ सवाल ध्यान में आ रहा है जो ट्रेड वगैरह से पूछा गया हो? हाँ था, ये फॉरेन हाइट को चेंज करना था और ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन था। अच्छा। हीटर से था। अच्छा। यही सब था। अच्छा, जो पढ़ाई होता है ITI में वही क्वेश्चन था? हाँ, लगभग वही, जो अपना ट्रेड है वही से। कितना सवाल लगता है ये कोई भी बना लेगा? जो एवरेज मतलब कि 70-80 के बीच में है। हाँ, 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि मतलब ऊपर से चले जा रहे हैं। अच्छा, ऊपर से। जनरल जो पेपर है ना वो थोड़ा सा टफ है। अच्छा। हाँ, बाकी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो ठीक, मैंने सब्जेक्ट का ट्रेड वाला ट्रेड का क्वेश्चन है वो ठीक है, जो मैंने पढ़ा है उसके लिए ठीक है। अच्छा। और दूसरी बात है ED का, मैंने 4-5 क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा। जिसमें स्टेटस बार का पूछा हुआ था क्या होता है, ड्रॉइंग शीट का साइज क्या है, और जो अक्षरांकन होते हैं लेटरिंग होते हैं उसमें से पूछा गया था कि इटैलिक का क्या होता है, इटैलिक में सिंगल स्टॉक डबल स्टॉक होते हैं तो उसमें सिंगल स्टॉक का पूछा गया था, इस तरह क्वेश्चन थे। उसके बाद क्या बोलते हैं डिजिटल सिस्टम से पूछा गया था, योग पूछा गया था, इस तरह क्वेश्चन है। और जो पढ़ रहे हैं उसके लिए ठीक है, मॉडरेट कहा जाए थोड़ा सा टफ कहा जाए। इजी टू मॉडरेट टेक्निकल इजी टू मॉडरेट था, और जो हमारा नॉन टेक था वो हमारा मॉडरेट बोल सकते हैं, नॉन टेक मॉडरेट था। जीके पूछा था बहुत दूर से। अच्छा, जो टेक जो ट्रेड वाला जो सवाल था उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन थे या फिर थोड़ा समझ के बनाने वाला? कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल जी बनाने वाला, इजी टू मॉडरेट। एक आया था जिसमें 50 फ्रीक्वेंसी 2 पोल और उसमें आपको सेकंड फ्रीक्वेंसी जो दिया था 2 था, तो उसमें पूछा हुआ था स्लिप प्रतिशत पूछा हुआ था, 4% आया ना, 4% जी। आपको नॉन टेक वाले सवाल कैसे लगे? नॉन टेक वाला मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं। सवाल समझ में आ रहा था? जैसे कि सवाल समझ में आ रहा था, जैसे हिस्ट्री से एक सवाल था, पॉलिटिक्स से एक सवाल था, समझ रहे? एक एक होता है कि टेक बैकग्राउंड वाले लोग होते तो उनको GS वगैरह से उतना मतलब नहीं रहता। वहाँ से जैसे मेरा ही क्वेश्चन एक छूट गया जिसमें पूछा गया था कि क्या था, उस नदी के बारे में पूछा था, उसका सीक्वेंस बता रहा था कि छोटा से बड़ा, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। छोटा उसमें थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल था, चारों ऑप्शन फंसाया था उसे। ठीक है, आप टोटल कितना अटेम्प्ट किए? कौन सा? दोनों मिला के मैं तो सब लमसम 95 अटेंड करें। और आप? हमने 100 अटेम्प्ट किया, नेगेटिव नहीं छोड़ा मैंने। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, जिसमें मान लिया कि नेगेटिव में कुछ पॉइंट कटेंगे तो कुछ हो भी सकता है कि पॉसिबिलिटी चांस है कि। पेपर बहुत अच्छा था। आपका कौन सा ट्रेड था? इलेक्ट्रिशियन से कितने सवाल? 80 सवाल था। कैसा सवाल रहा इलेक्ट्रिशियन से? मीडियम क्वेश्चन था। मीडियम क्वेश्चन जी। कहाँ से आपने ITI किया था? जी, कहाँ से किया था आपने? मैंने बिहार से किया था, NCVT। और जो 20 नंबर जो जनरल क्वेश्चन था वो कैसा रहा? वो भी नॉर्मल ही था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था। सवाल रिकैप कर पा रहे इलेक्ट्रिशियन वाला या फिर जनरल वाला? जैसे पेपर साइज वगैरह पूछ रहा था कि ये प्रूफ की साइज क्या है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था। सब सिलेबस से ही क्वेश्चन था या उससे कुछ बाहर भी मिला? नहीं, सिलेबस से ही क्वेश्चन, सिलेबस से पता। कितना बनाए आप इलेक्ट्रिशियन में? हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में लगभग 50 क्वेश्चन किए हैं, 50 को। और जनरल में? जनरल में तो लगभग वही 17 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन था जनरल का। और GK GS उसमें लगभग हम 17 क्वेश्चन, यानी टोटल 67 अटेम्प्ट किए हैं आप। सब एक्यूरेसी पे ही या कुछ? नहीं, वो एक्यूरेसी नहीं बता सकते हैं, मतलब 4-5 केस क्वेश्चन ऐसा भी था लास्ट में कि अटेम्प्ट किए हैं। नेगेटिव मार्किंग था कि नहीं? जी, नेगेटिव। कितना नेगेटिव मार्किंग था? 1/4 था। 1/4 जी। क्या लगता है होगा सिलेक्शन के चांसेस? ये तो अभी नहीं बता सकते क्योंकि इस पे बेसिस पर सिलेक्शन हम लोग को थोड़ी हो पाएगा। इसमें जितना भी नंबर हम लोग को आएगा, जितना परसेंट, उसका 50% ही जो है जुड़ेगा। उसके बाद आगे क्या देखते हैं, सेकेंड स्टेज में क्या होगा नहीं होगा। आई विश फॉर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुछ नहीं सही होता इसमें बना दिया। आप बिहार से ही हैं? जी, मैं सिवान जिला से। अच्छा, रियल बिहारी थॉट लगाए। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ट्रेड था आपका?
इलेक्ट्रीशियन। कैसा लगा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रीशियन वाला? बढ़िया था, बढ़िया था। सब कितना बनाया है ट्रेड में आप? ट्रेड में 60% 60% बना दिए आप। और जी जनरल वाला? जनरल वाला 80%। और टोटल मिला के कितना अटेम्प्ट किए? टोटल 80% 80%। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कौन सा ट्रेड था आपका? इलेक्ट्रीशियन। कैसा क्वेश्चन लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कितना बनाए टोटल? 76। क्या ट्रेड था आपका? इलेक्ट्रीशियन। कैसे लगे क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रीशियन वाले? ठीक ठाक रहा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा। लेकिन ठीक ठाक था। अच्छा, आप ऑलरेडी कहीं वर्क भी कर रहे हैं सर? हाँ कर रहे हैं। कहाँ सर? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आईटीआई में ही। अच्छा आईटीआई में। आपका भी आईटी बिहार ही से हुआ? बिहार। जनरल वाले क्वेश्चन कुछ रिकैप कर पा रहे ध्यान में आ रहा जो पूछा गया एग्जामिनेशन हॉल में? नहीं नहीं उसको तो बताना ही नहीं है, तो फिर बताना क्या है। अच्छा, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपका क्या था ट्रेड? मेरा भी नहीं, अच्छा, नहीं। आपका था? आपका क्या था ट्रेड? इलेक्ट्रीशियन था। सारे इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम? अभी इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम है। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको ट्रेड वाले? बढ़िया, ट्रेड वाला बढ़िया है, ट्रेड वाला सब बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन था, सब ट्रेड सही था। जो पढ़ते हैं आईटीआई में वही सवाल था या फिर कुछ दूसरा भी? आईटीआई का बुक से बहुत था, निमी पैटर्न पर था क्वेश्चन, बढ़िया लगा, ट्रेड से था। जो सिलेबस असाइन किया गया था उसी पे बेस्ट क्वेश्चन थे या फिर कुछ अलग? कुछ कुछ तो है, जैसे भीड़ छाटना तो कुछ तो ट्रेड से ऊपर जीवे करेगा, कुछ कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, कुछ नॉर्मल भी था, नंबरिकल टाइप भी था। क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं आप जनरल और ट्रेड वाला मिला के? लगभग मिला के 92 अटेम्प्ट किए हैं। 92? हाँ, बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दिया लगभग मिलाकर, क्योंकि ट्रेड मेरा पड़ा हुआ है। अच्छा, ट्रेड सब बढ़िया था। और जीएस वाला सवाल कैसा लगा? जीएस थोड़ा सा कम तैयारी था तो फिर भी अच्छा लगा। अच्छा लगा, क्या कि हम ज़्यादा ट्रेड पर ही ध्यान देते थे। ऑल द बेस्ट, ठीक, ओके। कैसा लगा पेपर? ठीक लगा, ठीक लगा। कितना बना लिए? बनाए 90। 90 को? हाँ। 10 को कहाँ से छोड़ा, ट्रेड वाला या फिर जनरल वाला छोड़ दिए? कुछ जनरल छोड़ दिए। अच्छा, जो करंट था। अच्छा, करंट वाला सवाल। हाँ, ट्रेड का सवाल कैसा लगा? ठीक ठाक लगा, मीडियम ठीक ठाक था, मतलब वैसा ही ठीक था, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसका निकल जाएगा। तो इतना अटेम्प्ट किए हैं तो आप तो पढ़ने ही वाले हैं। हाँ हाँ, विश्वास है निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। कुछ सवाल ध्यान में आ रहा है जो पूछा गया हो? हाँ, जैसे जीके जीएस में पूछा था, जैसे बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो 1526 में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में था, उसके बाद ट्रांसफार्मर से था, और आपको मतलब करेंट में था, कुछ मंदिर के बारे में दिया था जो कहाँ पे है, किस शहर में है, यही सब था। ट्रेड का सवाल कोई ऐसा टॉपिक था जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा हो? नहीं, मैच्योर था, ट्रांसफार्मर से था, उसके बाद मोटर से था, मैच्योर था, मतलब मिला जुला के सब बराबर, सब बराबर बराबर था। ठीक है, आप सब जितना 90 बना है ना आप, कितना सही होने का चांस लग रहा है? मोटा मोटी वही 65 और 65। फिर रिजल्ट के लिए आशा करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कौन सा ट्रेड था? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन कितना बनाया आप? अरे 79। 79, ओके। क्या था ट्रेड कौन सा था? कौन सा ट्रेड था भैया? इलेक्ट्रीशियन। कैसे क्वेश्चन लगे इलेक्ट्रीशियन वाले? अच्छा था, अच्छा था। ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर कुछ डिफिकल्ट भी पूछ सोचे थे कि आएगा? नहीं, जैसा उम्मीद था वैसा ही है। वैसा ही है, सब सिलेबस से ही सब आ रहा। सब सिलेबस से ही था। कितना बनाया आप सवाल है ट्रेड से? ट्रेड से वही 67 बनाया। 67, तो यानी कि थोड़ा सा 13 को छूट गया। और जनरल वाला? जनरल वाला वही 15 बनाया। 15 को। कुछ ऐसा चैप्टर था जिसे ट्रेड में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा हो? नहीं, वैसा नहीं था, सबसे मिला हुआ था। सबसे मिला था। कुछ दिन, दो दिन पहले परीक्षा हुआ था उसी पे बेस्ड है या फिर कुछ बदला भी है? नहीं, बदला हुआ है। बदला हुआ है। हाँ। क्या चेंजेस लगा आपको? ट्रेड का क्वेश्चन भी बदला था, जीएस का भी क्वेश्चन बदला हुआ था। हाँ, ये सब चेंजेस आएगा। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू। सो दिस वॉज द अपडेट ऑफ द पेपर। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड इसी फट के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।